आजकल खाटू श्याम बजट संध्या के नाम पर, अब यहाँ स्पष्ट बोलूंगा, आप जितना खतरा उन लोगों से नहीं है ना, पत्थर फेंक, इतना खतरा इनसे है। दोनों हाथ खड़े करो, बाबा रीत जाएगा। अरे तुम्हारा बाबा ये नाच देखने का ही भूखा था। दो दो लाख की भजन संध्या होती है, और जिसके हाथ ऊपर की उसकी किस्मत सुपर ने, जिसके हाथ नीचे के वो पांडाल के पीछे दो थप्पड़ मारो ले जाकर, ऐसे गाने वाले। बड़ा क्रोध आता है मुझे यार, जबकि मनुस्मृति और आदि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि स्त्री को दोनों हाथ ऊपर नहीं करना चाहिए, एक स्त्री को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम होता ना, पुरुष कर सकता स्त्री को, क्योंकि स्त्री के जो पयोधर है वो किसी बच्चे का एक प्रकार से आहार स्थान है। एक नन्हा सा नवजात शिशु वहीं से प्राण पाता है, तो वहां अगर भूमि पर वो स्पर्श होती है तो दोष लगता है। फिर स्त्री का शरीर ऐसा नहीं को दंडवत प्रणाम करे, बहुत सारे नियम है साहब। एक स्त्री किसी अन्य पुरुष के, भले वो गुरु भी है, तो पांव ना छुए, दूर से ही बस प्रणाम, झुक कर जय हो, ऐसा कर ले। यहां दोनों हाथ खड़े हैं, नी नाचे वो पापी के, ऐसा बोला जाता। थोड़ी बहुत लाश शर्म बची थी वो भी खत्म करा दी पूरे गांव। और किसके आगे नाच रही हो आप? उनके आगे, जिनके चरित्र के कोई ठिकाने नहीं। जहां भजन सूरदास जी के जैसे होते थे, आंखों से आंसू बहते थे, वहां जो उछल उछल कर नाच रहे ना, आपको भी नचा रहे हैं। रोक दीजिए, समय पर रोक दीजिए, ये बर्बाद कर देंगे भारतीय संस्कृति को। मैं तो निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियो भी जाते हैं उन खाटू श्याम भजन संध्या वालों से, कि भजन गाना ही है तो आप प्रहलाद बनकर गाइए, ध्रुव बनकर गाइए, आप सूरदास जी बनकर गाइए। इस प्रकार उछल कूद करना ये धर्म नहीं है। और माताएं बहनें, आप भी अगर भजन कीर्तन में जाती हो तो मीरा बनकर जाओ, और वहां से सीता बनकर आओ। क्या बनकर आओ? इतनी पवित्रता लेकर आओ, सीता जैसी लगी आपका चरित्र, और बाद जब धर्म रक्षा किया है तो काली बन जाए। नारायण हरि। पर क्या करो, यहां भोगी विलासी लोग, उनको तो बस वही भोग विलास करना। अभी एक भजन संध्या में मुझे बुलाया गया, मजबूर रहा मैं जाने के लिए। जाके जैसे ही बैठा, उस गाने वाले को ये तक नहीं मालूम कि सामने कौन बैठा है। आखिर में वो तो अपनी उस पे आ ही गए कि जो जिसके हाथ ऊपर के उसकी किस्मत सुपर नहीं, जिसके नीचे। तो मैं तुरंत उठा वहां से। यजमान ने कहा, गुरुजी मैंने अब नहीं सहा जाएगा, या तो ये भाग जाएगा या ये भजन संध्या बंद हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दो यहां से, मैं नहीं सह पाऊंगा इनके पाप में। इतनी अकल तक नहीं होती कि सामने कौन बैठे हैं। जिनको धर्मशास्त्र की ABCD याद नहीं, उनसे क्या साथ नारायण। पानी पीने के लिए मटका भी लाते हो, चार बार चेक करते हो आप कि ये पानी ठंड, जिससे भजन कर। भजन, एक बात कहूं आपसे, भक्तों से ही सुनना अगर भजन सुनना है। हाँ, भक्तों से, जो जीवन भर भक्ति करता है उसके भजन लगते भी प्यारे साहब, और उस भजन को सुनने से उपासना बढ़ जाती। यहाँ तो आजकल पूछो ही ना क्या हाल कर दिया। मत दीजिए ऐसी जगह चंदा जहां मात्र धर्म के नाम पर मस्ती होती है, आप ही लोग बढ़ावा देते हो। और ऐसी जगह जाना ही बंद कर दो, क्योंकि आप बढ़ावा दे रहे हो, उनके उत्साह को आप लोग बढ़ा रहे हो। तो मैं कल भी आपसे निवेदन किया था कि हर हर महादेव में माताएं हाथ ऊपर ना करे। यहां तो प्रणाम किया जाता था, क्या हर हर महादेव हर, और क्या हर? हे प्रभु आपका एक नाम है हर, तो काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, इसलिए बोला जाता हर हर महादेव। हे नाथ, हमारे काल को, हमारे कष्ट को, हमारे दुख, हमारे दर्द को आप हर लीजिए। और ऐसा बोलते हुए मस्तक झुक जाता था। आजकल के हर हर महादेव के ऐसा करो। नारायण, कहां लिखा है धर्म शास्त्र? कोई बता दे, प्रमाण बता दिलाकर कैसा लिखा है। कथावाचक भी करवाते, क्योंकि पढ़ते नहीं है ना साहब धर्म शास्त्र, समस्या ये आ गई। पढ़ते तो ये हाल नहीं होता। तो चलो, बात कहां थी।